Assalamualaikum dosto, my name is Kaiser and I'm here with you with another video tutorial to share with you how to apply a license, driving license in Pakistan. तो चलिए हम start कर लेते हैं. आज मैं आपके साथ share करने जा रहा हूँ कि आप अपने driving license को Pakistan में कैसे apply कर सकते हैं. तो दोस्तों इसके मैं पहले भी आपको बताता रहता हूँ कि कोई भी काम करें उसको सीख के करें, आपके resources बचेंगे, पैसा बचेगा, time बचेगा. Time is equal to मनी. तो ये सारी चीजें आपकी बचत होगी. को हम कोई भी काम करें उसको सीख के करें. तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगा कौन कौन से स्टेप रिक्वायर हैं, प्रोसीजर रिक्वायर हैं आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं ये ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान में बनाने के लिए. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपका जो आई डी लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है या आप किसी अपने फ्रेंड का चेक करना चाहते हैं कि आया कि ये वेरीफाई है, कंप्यूटराइज वेरीफाई गवर्नमेंट की तरफ से है या दो नंबर ही है, तो आपको मैं बताता चलूं आपने जाना है dlims.punjab.gov.pk इस साइट पे आपने जाना है. मैं आपको दिखा भी देता हूं. वहां जाके आपने आपको एक अपने ट्रैक करना है, वेरीफाई अपने लाइसेंस को करना है. आपको एक इनपुट फील्ड मिलेगी, वहां आपने अपना CNIC नंबर पुट करना है. तो मैं आपको शो भी करवा दूंगा दोस्तों. तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ. सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने ब्राउजर को ओपन करना है. ब्राउजर के अंदर आपने एड्रेस टाइप करना है dlims.punjab.gov.pk. ये आपने एड्रेस जो है ये टाइप करना है. ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो ट्रैफिक पुलिस की पंजाब में है. तो ये रिट्रैक्ट करके आपको ले जाएगी पंजाब की ट्रैफिक पुलिस की साइट पे. तो चलिए यहाँ पे आप अपने लाइसेंस को जो आपका बन चुका है उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, उसकी वेरिफिकेशन चेक कर सकते हैं. और ये लाइसेंस की इंफो है, आप हाउ टू अप्लाई कैसे अप्लाई कर सकते हैं और डाउनलोड्स में आप फॉर्म्स वगैरह जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं. चलिए सबसे पहले मैं आपको वेरीफाई लाइसेंस करना बताता हूँ. यहाँ जाके आपने अपना CNIC नंबर, अपना ID कार्ड जो नंबर है, शनाती कार्ड नंबर है, वो टाइप करना है और वेरीफाई पे जाके आपने क्लिक कर देना है. तो यहाँ पे आपका अगर तो ओरिजिनल बना हुआ है आपका ID कार्ड, अपना लाइसेंस, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी फेच करके दिखा देगा. ये देखें, ये सारी इंफॉर्मेशन है, उसका नाम, उसकी सारा बायोडाटा जिसका लाइसेंस बना हुआ है. तो ये आप ऑनलाइन अपने लाइसेंस को वेरीफाई कर सकते हैं. और डाउनलोड्स टैब में जाएंगे तो इसके अंदर आप लाइसेंस का, ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. और यानी ये मेडिकल फॉर्म वगैरह जो है, मेडिकल करवाना, उसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. सारे फॉर्म जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं. और हाउ टू अप्लाई में अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सारा प्रोसीजर बताया जाएगा कि आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, कौन कौन से यानी कि रिक्वायरमेंट हैं लाइसेंस बनाने की. ये सारी कुछ आपको यहाँ पे ये इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे शो किया हुआ है. और इसके बाद अगर आपने देखने हैं कि आपके एरिया में जो लाइसेंस बनते हैं जिस जगह, उनके सेंटर किसकी जगह है, तो ये भी पूरी लोकेशन जो है ये साइट पे अवेलेबल है. वो पुट करने के बाद आपने वेरीफाई करना आपका, अगर तो लाइसेंस वेरीफाइड है गवर्नमेंट की तरफ से, आपका पूरा बायोडाटा जो है वो शो कर देगा, कंप्यूटर सिस्टम जो है उनका डेटाबेस शो कर देगा आपको पूरा डाटा. तो जो जो मैं दोस्तों एक पर्सनली आपको ये मशवरा देना चाहता हूँ कि जिस जिस बंदे का लाइसेंस नहीं बना, प्लीज ये काम लाजमी करवाएं. मैं ये नहीं कहता कि आप ये काम इसलिए करवाएं कि आप चलान से बचते हैं, ना ना, मैं आपको एक पर्सनली मशवरा देना चाहता हूँ कि खुदा ना खास्ता कोई, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह हर बंदे को पूरे टाइम से बचाए, कोई आपके साथ कोई हादसा पेश आता है, तो दोस्तों बिलीव मी, ये अगर आपका कसूर है या नहीं है, और अगर आपसे कोई डेथ हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा ना खास्ता, मैं फिर कहता हूँ खुदा ना खास्ता, तो दोस्तों ये 302 का कत्ल का केस है, डायरेक्ट कत्ल का केस है. तो प्लीज अपना लाइसेंस जो है, ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी बनवाएं. और अगर आपके पास कोई लाइसेंस बना हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, खुदा ना खास्ता फिर ये काम होता है, तो फिर आपका कसूर नहीं माना जाता, फिर कोर्ट में फैसला चलता है. अगर खुदा ना खास्ता फिर भी प्रूव हो जाता है कि आपकी गलती है,
तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ जीमा की आपको सजा है या कुछ जुर्माना है, दोनों में से एक है। तो ये चीज आपको चलान से बचने के लिए नहीं, इन चीजों का लॉन्ग टाइम बेनिफिट के लिए आपको लाजमी बना के रखना चाहिए लाइसेंस अपना। तो चलिए हम जान लेते हैं कि सबसे पहले हम अप्लाई कैसे करते हैं लाइसेंस, परमानेंट लाइसेंस जो आपका परमानेंट लाइसेंस बनता है उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास सबसे पहले गाइस आपका लर्निंग लाइसेंस होना लाजमी है। तो लर्निंग लाइसेंस कैसे बनता है, उसके बाद आपका परमानेंट जो लाइसेंस कंप्यूटराइज है वो बनेगा कार्ड की शेप में। सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा लर्निंग लाइसेंस। लर्निंग लाइसेंस आपका कैसे बनेगा दोस्तों, सबसे पहले आपने विजिट करना है या किसी वार्डन से पूछ लेना है, ट्रैफिक वार्डन से पूछ लेना कि मेरे एरिया में लर्निंग लाइसेंस किस जगह बनता है। तो दोस्तों ये मैं आपको शो भी करवा देता हूँ साइट पे कि आप अपना एरिया फाइंड करें और देख लें कि आप किस रीजन में रहते हैं और किसकी जगह ये ट्रैफिक ऑफिस ऑफिस ट्रैफिक के लर्नर बनाने के ऑफिस बने हुए हैं। लर्नर बनाने के लिए दोस्तों आपको किस चीज की जरूरत है वो मैं आपको बताता चलूं। आपको एक चाहिए होगी, एक कॉपी आपके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, और आपको एक 60 रुपए की टिकट चाहिए होगी। वो टिकट 60 रुपए की है जो वो पोस्ट ऑफिस से भी आपको इजीली मिल जाएगी। ये दोनों चीजें लेके आपने जाना है अपने ट्रैफिक ऑफिस में जिस जगह ये लर्नर बन रहे हैं। तो ये आप ये साइड से मैं आपको शो करवा देता हूँ किसकी आपके अपने रीजन में देख सकते हैं ऑफिस किसी जगह बने हुए हैं। तो वहां जाके आपने एक आपको टोकन दिया जाएगा, उस टोकन के थ्रू आपने अंदर जाके अपनी पिक्स दे के आपको उन्होंने एक सर्टिफिकेट लर्निंग सर्टिफिकेट इशू कर देना है। और वो उसकी जो मुद्दत है वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 6 माह की होती है, वैलिड होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों वो बनाने के बाद आपको एक परमिट दे दिया जाता है कि आप एक लर्निंग प्रोसेस में हैं, गाड़ी आप रोड पे निकाल तो सकते हैं मगर वो एक लाइसेंस का कंप्लीट लाइसेंस का काम नहीं देता। वो एक लर्नर होता है जो आपको ये उसकी आपको कॉपी अपनी गाड़ी पे भी लगानी होती है जो दूसरों को ये शो करवाए कि इस बंदे से बचना भी है इसको बचाना भी है क्योंकि ये दिस पर्सन इज इन लर्निंग प्रोसेस, ये बंदा है सीख रहा है गाड़ी सीख रहा है। तो वो लाइसेंस का काम नहीं रहता, ये लर्नर जो है ये लाइसेंस बनाने के लिए जरूरी है। तो ये आपने बना लिया और जब इसके गाइस 6 वीक पूरे हो जाए, आपने लर्नर बनाए हुए को 6 वीक आपके पूरे होते हैं, मीन टू से आपका 40 दिन कह लेंगे पूरे होते हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं अपने परमानेंट लाइसेंस के लिए दोस्तों। तो परमानेंट लाइसेंस के लिए जब आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको किस किस चीजों की जरूरत होती है, चलिए हम वो डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं आपके साथ। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म ए चाहिए होता है, और ये दोस्तों हमारे फैसलाबाद में लर्निंग जो है वो किसी और जगह से बनता है और परमानेंट लाइसेंस है वो किसी और जगह से बनता है, ये भी ऐसे ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप इलाके में किस जगह लाइसेंस बनता है। उसके लिए आपको चाहिए फॉर्म ए, वो जिस जगह से लाइसेंस बनता है वहां से भी आपको ये फॉर्म ए मिल जाता है और वो फाइल में लगा के देते हैं, या ये जो मैं आपको वेबसाइट का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इसे आप वो फॉर्म ए डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। आपको चाहिए फॉर्म ए, और दूसरे नंबर पे आपको चाहिए ओरिजिनल जो आपने लर्नर बनाया हुआ है उसको, यानी 6 वीक गुजर चुके हैं वो आपको लर्नर चाहिए, एक फॉर्म ए चाहिए, दूसरा ओरिजिनल आपका लर्नर चाहिए, और तीसरे नंबर पे दोस्तों आपको चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट। और मेडिकल आपने करवाना किसी भी हॉस्पिटल से, जैसे हम फैसलाबाद से लायक से सिविल से ये मेडिसल मेडिकल करवा सकते हैं, आप किसी लोकल डॉक्टर से नहीं करवा सकते हैं। तो ये वाले जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं इनसे आप जाके बता के उनको रिसेप्शन पे कि हमने अपना ड्राइविंग लाइसेंस का मेडिकल बनाना है, वो आपको बना देंगे, वो एक 200-300 रुपए आपका लगता है टोटल खर्चा आपका, तो वो आपको इशू कर देंगे। और तीसरा ये आपको एक फॉर्म ए चाहिए, दूसरे नंबर पे आपको वो लर्नर ओरिजिनल चाहिए, तीसरे नंबर पे आपको ये मेडिकल चाहिए, और चौथे नंबर पे आपको 3 पासपोर्ट साइज की टेस्ट की हुई आपकी पिक्चर चाहिए, और चौथे नंबर पे आपको आपको CNSC नंबर अपने जो कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी नंबर है आइडेंटिटी कार्ड है उसकी आपको टेस्ट शुदा कॉपी चाहिए। और ये आपने लेके और तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे आपको चाहिए टिकट चाहिए जो पोस्ट ऑफिस से मिलेगी, लर्नर के लिए 60 रुपए की टिकट थी और इसके लिए थोड़ी कॉस्टली होती है, आई थिंक सो कि ये 900 कुछ की 9 समथिंग इतने की ये टिकट लगती है इसपे। ये 5-6 चीजें आपको चाहिए और वो आपको मेंशन होती है कि आपने किस टाइप का, यानी LED बनाना, कौन सा लाइसेंस, मोटरसाइकिल का बनवाना है, कार का बनाना,
किस टाइप का लाइसेंस बनाना, उसकी एक लैदा टिकट होती है, वो उस पे आपकी फाइल पे चिपका होती है। ये पांच छह चीजें लेके आपने उस ऑफिस में जाना जिस जगह आपका ये लाइसेंस बन रहा है, उसी दिन आपने फाइल को सबमिट करवाना, आपसे फाइल ले ली जाएगी और आपको एक टोकन इशू कर दिया जाएगा। आपने उस टोकन को संभाल के रखना है दोस्तों, वहां थोड़ी लाइन होती है, उस टोकन के जरिए आपको दोबारा कॉल किया जाएगा और आपसे वो ट्राई ली जाएगी, लाइसेंस गाड़ी बैक करनी होती है। दोस्तों अभी जो करंट चल रहा है फैसलाबाद में ये है कि आपने यू शेप बना होता है, उसमें आपने अपनी गाड़ी रिवर्स करनी होती है। अगर तो उनकी गाड़ी है वो भी आप रिवर्स कर सकते हैं, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो वो भी परमानेंट होता है, आप लेके जा सकते हैं और उसको यू शेप में बैक रिवर्स करके अब उनको दिखा सकते हैं। ये तो होगी ट्राई। और उसके साथ एक आपका छोटा सा दोस्तों टेस्ट होता है, वो आपसे साइंस पूछते हैं, इशारे होते हैं रोडों पे ये पूछते हैं, उसके लिए भी वहाँ ऑफिस से ही एक दो पेज मिलते हैं जिसमें सारे उर्दू में साइंस लिखे होते हैं, वो आपने याद कर लेने हैं, आपको बुलाया जाएगा और इसमें से चार पांच आपको पूछे जाएंगे ये किस चीज का साइन है, ये किस चीज का साइन है। कंप्यूटर जो होता है ऑप्शन होती है उसमें, कह रहे मल्टीपल चॉइस होते हैं, और उसके लिए मैं एक आपको एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे उर्दू में साइंस बने हुए हैं वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और वो अपने एंड्रॉयड में या अपने iOS में इंस्टॉल करके वहां से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं, एक आध दिन पहले उसको पढ़ लें। ये अगर आपकी ट्राई पास होती है तो आपको यानी ऑथराइज करके आपको एक टोकन नंबर जो दोबारा एक इशू कर दिया जाएगा, और दोस्तों उसमें आपको अपना एड्रेस वगैरह जो भी वो डाटा आपसे पूछेंगे वो बताना होगा। उसके बाद आपका वो जो लाइसेंस है वो तकरीबन एक दो वीक में बनके आपके घर डिलीवर हो जाएगा, आपके उस एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं ऐसी ही वीडियो अच्छी अच्छी आपके साथ बना के शेयर करता रहता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें टेक्नोलॉजी की सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों ये दो ऊपर जो वीडियो आ रही है प्लीज इनको भी देख लें, और ये सर्कल जो दरमियान में आ रहा है इसको क्लिक करके मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।